नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी जो एग्ज़ाम हुए थे और उनकी जो आंसर की आई थी उसमें कुछ बच्चों का क्या था, कुछ क्वारियाँ थी, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कि जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी अभी तक किसने अब जो LDC, UDC और इंजीनियर सिविल इंजीनियर और हिंदी ट्रांसलेटर और UDC छोड़कर जितने भी एग्ज़ाम हुए थे उनका आंसर किया अभी तक चेक नहीं किया है। तो यहाँ पे आप जो यहाँ से आप अपना आंसर की चेक कर सकते हैं। एक नोटिस यहाँ पे UDC वालों के लिए दिया गया है, ये नोटिस हम देख लेते हैं यहाँ पे। ये नोटिस है कि जो UDC का जो आंसर क्यू होगा वो 20 अगस्त को क्या होगा, लाइव होगा यहाँ पे। क्योंकि क्या होगा कि UDC के कुछ बच्चों के स्टूडेंट के एग्ज़ाम हैं चंडीगढ़ में, वो अगेन 10 अगस्त को 145 कैंडिडेट हैं उनका अगेन होगा यहाँ पे एग्ज़ाम। इसलिए जो UDC की जो आंसर की है वो आपको लाइव 20 अगस्त को होगी। सेकेंड हम यहाँ देख लेंगे यहाँ पे कि अगर आपको ऑब्जेक्शन भरना है तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन के लिए आप यहाँ इस पे डाउनलोड लिंक फॉर ऑब्जेक्शन ट्रैकर फॉर CPT एग्जामिनेशन ऑफ 2021 यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपको एक्सटर्नल साइट पे ले जाएगा, NDEE की साइट है वहाँ पे ले जाएगा। तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी लॉगिन ID जो आपका जीमेल है, पासवर्ड आपका जो डेट ऑफ बर्थ है DDMMYYYY के फॉर्मेट में उसको भरेंगे और वहाँ से आपका ऑब्जेक्शन भर सकते हैं। तो जो स्टूडेंट हैं कैंडिडेट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनके कुछ क्वारी थी कि क्या जो जो ऑब्जेक्शन था वो सभी को इंडिविजुअल भरना पड़ेगा या सबका एक साथ होगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आंसर की यहाँ पे जो अपलोड हुई है वो आंसर की जैसे बाकी के एग्ज़ाम होते हैं, तो आंसर की क्या होता है उसमें आपने जो आंसर दिए हैं और जो भी ऑप्शन आपने सेलेक्ट किया है वो भी दिखाई देता था और जो इनके जो आंसर हैं NDEE का वो भी दिखाई देता था। पर यहाँ पे जो NDEE के स्टाफ से बात हुई तो यहाँ पे होगा कि इन्होंने क्या किया है, जो आंसर की है वो इनके जो आंसर होंगे वही आंसर की इन्होंने अपलोड की है, ओवरऑल वही आंसर की है। और इंडिविजुअली जो आपके आंसर दिखाता वहाँ पे आपने कौन सा सही किया कौन सा गलत किया वो आंसर की अपलोड नहीं की जाएगी। तो अभी डिफ़िकल्टी ये आ रही है कि ऑब्जेक्शन भरने के टाइम, क्योंकि बच्चों को इतना याद तो रहता नहीं कि उसने कौन सा जो आंसर ऑब्जेक्शन जो उसने कौन सा ऑप्शन पे क्लिक किया होगा। पर डेफिनेटली अगर किसी को ये श्योर है कि उसका आंसर जो उसने सही किया है और उसको और जो यहाँ पे इन्होंने आंसर की अपलोड की है ओवरऑल वो आंसर गलत दिया है, तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन आप भर सकते हैं। जब आप श्योर हों तभी इसको भरें। और इसकी फीस होगी जो 100 रुपीज़ होगी। आपका ऑब्जेक्शन अगर सही है, आपका क्वेश्चन अगर सही किया आपने और इनका अगर गलत आंसर है NDEE का, तो उसके जो आपके 100 रुपीज़ है फीस के वो आपको रिफंड कर दिए जाएंगे। तो ये डाउट में न रहें आपकी आपका जो पैसे होंगे वो आपके रिफंड नहीं होंगे, वो आपके डेफिनेटली आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे 100 रुपीज़। पर आप श्योरली हों आंसर आपने कौन सा टिक किया है और सही है वो आंसर, तभी आप ऑब्जेक्शन को भरें। बाकी UDC के लिए मैं एक वीडियो अगेन बनाऊंगा 20 अगस्त को, उसमें हम UDC के बारे में आंसर की के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।